सभी को नमस्कार। ऊर्जा के इस सत्र में आज हम चर्चा करेंगे प्रसन्नता पर, हैप्पीनेस पर, खुशी पर। एक सहज व्यक्ति के लिए जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते रहना उन लोगों की तुलना में बहुत ही आसान है जो जीवन में बहुत कुछ पाने की होड़ में लगे रहते हैं। हम केवल यह सोचकर प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि हम अपने काम से आनंदित हैं। यह सत्य है कि जीवन ही आनंद है। कुछ लोगों की दृष्टि में ऐसा होता है जो सदैव इसी फराक में रहते हैं, जो हमेशा इसी फराक में रहते हैं कि हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाए जो दूसरे धनवान लोग या उनकी तुलना में अधिक प्रसन्न दिखाई देने वाले लोग हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा सब कुछ, धन पद सब हमको मिल जाए, हम खुश हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। उन्हें यही लगता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम दुखी जीवन ही व्यतीत करते रहेंगे। इस प्रकार की मनोभावना रखने वाले लोग सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी लालसा, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि प्रसन्नता एक भाव है और इसे किसी भी तरह से खरीदा नहीं जा सकता। प्रसन्नता को जीना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, प्रसन्नता हमको दिखाई देनी चाहिए। अगर प्रसन्नता हमको दिखाई देगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। प्रसन्नता दिखाई देने के लिए हमें अपने स्तर पर, अपने जीवन में अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। इच्छा और लालसा रखने वाले लोग, बहुत से लोग होते हैं जो उनकी पूर्ति के लिए मंदिरों में जाते हैं, वहाँ उनकी पूर्ति के लिए भगवान से मांग करते हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की मांग में निश्चित रूप से एक शिकायत छुपी होती है जिसे प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग मंदिर में जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अप्रसन्नता व्यक्ति की प्रार्थना करने में शिकायत छुपी होती है। ऐसी प्रार्थना में वह नाराजगी और दुर्भाव भी लेके जाते हैं। हम जितना ही अधिक कब्जा जमाने की प्रवृत्ति से जुड़ते जाएंगे उतने ही कम प्रसन्न होते रहेंगे और जितने कम प्रसन्न होते जाएंगे उतना ही हम ईश्वर से दूर जाएंगे। ईश्वर का मतलब यह अपने लक्ष्य से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ईश्वर की प्राप्ति ये भक्ति या प्रार्थना वाली बात करें। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ईश्वर से मिलने अर्थात अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने से दूर होते जाएंगे। एक आनंदित व्यक्ति ही धार्मिक, सफल और सद्विचार वाले हो सकते हैं क्योंकि उसमें प्रसन्नता वाले भाव आएंगे कि मैं अपना आज का काम कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक सरल आदमी के पास में जो कुछ होता है वह खुश रह सकता है। आवश्यकताएं स्वाभाविक होती है, इसके विपरीत इच्छाओं को यदि उन्माद की श्रेणी में रखा जाए तो यह एकदम उचित होगा। भोजन, घर, आपसी प्रेम हमारे जीवन की ऊर्जा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसी से हम आनंदित हो सकते हैं। जिसे समुचित प्रयास से सुगमता पूर्वक हासिल किया जा सकता है। प्रसन्नता किसी की मोहताज नहीं है, ये कहीं भी, कभी भी, कैसे भी प्राप्त की जा सकती है। प्रसन्नता, खुशी, एंजॉय, मजा, आनंद, ये सभी प्राप्त होंगे यदि आपको किसी को देने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। इसके लिए ना तो किसी पद की जरूरत है, ना किसी धन की जरूरत है, ये सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। थैंक यू।